अगर BMW ने अपनी प्राइजेस 5 लाख रुपए से बढ़ा दी तो क्या मैं ऑडी ले लूंगी? ना ना, बिल्कुल नहीं. बट अगर i20 ने अपनी प्राइजेस 2 लाख 3 लाख से बढ़ा दी तो शायद आई विल लुक फॉर अदर ऑप्शंस लाइक किया या स्विफ्ट और वॉट एवर लाइक दैट. सो दिस इज प्राइजिंग पावर पार्ट 2, जिसमें हम ये समझेंगे कि इट डज नॉट मीन कि जैसे मैंने स्टील का, शुगर का एग्जाम्पल दिया था या राडो की वॉच का एग्जाम्पल दिया था, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू यू नो द एंटायर सेक्टर. एक ही सेक्टर में देयर कुड बी सम कंपनीज जिनके पास प्राइजिंग पावर है एंड अदर कंपनीज जिनके पास प्राइजिंग पावर नहीं है. आईफोन अपनी प्राइजेस 20,000 इंक्रीज भी कर देगा तो आईफोन वाला बंदा आईफोन जिसको लेना है वो आईफोन ही लेगा. बट जिसको शाओमी लेना है, MI लेना है, उसके पास बहुत सारे एंड्रॉयड ऑप्शन हैं कंपेयर करने के लिए. अगर मैं एयरटेल हूँ तो शायद एयरटेल के पास इतना प्राइजिंग पावर है, बट वोडाफोन आइडिया, क्योंकि उनके मैक्सिमम कस्टमर्स जियो में मूव हो चुके हैं, दे डोंट हैव प्राइजिंग पावर. इसलिए शैम्पू का प्राइस